आज हम आप लोगों को क्लास 12 में 12वीं का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आता है। फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। हम अगला जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें हम डेरिवेटिव का थ्योरी पढ़ा दिए हैं। डेरिवेटिव किसे कहा जाता है ये पढ़ा दिए हैं। आज हम आप लोगों को डेरिवेटिव के फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं। तो फॉर्मूला है इस तरह से, y इक्वल टू x पर पावर n dy बाय dx बराबर nx पर पावर n माइनस 1। y इक्वल टू x पर पावर n तो dy बाय dx बराबर nx पर पावर n माइनस 1। y बराबर x dy बाय dx बराबर 1। y बराबर 1 बाय x dy बाय dx बराबर माइनस 1 बाय x स्क्वायर। y बराबर रूट x dy बाय dx बराबर 1 बाय 2 रूट x। y बराबर रूट x dy बाय dx बराबर 1 बाय 2 रूट x। y बराबर e पर पावर x dy बाय dx बराबर e पर पावर x। y इक्वल टू c कांस्टेंट dy बाय dx बराबर 0। y इक्वल टू log x dy बाय dx बराबर 1 बाय x। y इक्वल टू a पर पावर x dy बाय dx बराबर a पर पावर x log a। y इक्वल टू साइन x dy बाय dx बराबर cos x। y इक्वल टू cos x dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन x। y इक्वल टू टेन x dy बाय dx बराबर sec स्क्वायर x। y इक्वल टू sec x dy बाय dx बराबर sec x इनटू टेन x। y इक्वल टू cosec x dy बाय dx बराबर माइनस cosec x इनटू cot x। y इक्वल टू cot x dy बाय dx बराबर माइनस cosec स्क्वायर x। u प्लस v का होल डेरिवेटिव बराबर u डेरिवेटिव प्लस v डेरिवेटिव। u माइनस v का होल डेरिवेटिव बराबर u डेरिवेटिव माइनस v डेरिवेटिव। u v का होल डेरिवेटिव बराबर u v डेरिवेटिव प्लस v u डेरिवेटिव। u बाय v का होल डेरिवेटिव बराबर v u डेरिवेटिव माइनस u v डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर। y इक्वल टू साइन इनवर्स x dy बाय dx बराबर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। y इक्वल टू कोस इनवर्स x dy बाय dx बराबर माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। y इक्वल टू टेन इनवर्स x dy बाय dx बराबर 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। y इक्वल टू कोट इनवर्स x dy बाय dx बराबर माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। y इक्वल टू सेक इनवर्स x dy बाय dx बराबर 1 बाय x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x dy बाय dx बराबर माइनस 1 बाय x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। log m पर पावर n बराबर n log m। log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। log mn बराबर log m माइनस log n। log a बेस b का फॉर्मूला log a बाय log b। कैसे? log a बेस b का फॉर्मूला log a बाय log b। log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, log e का मान 1। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। आप जो डीसी करिएगा तो आपको इन सभी फॉर्मूला का जरूरत है। हम आपको सिखाएंगे कि आप जो डीसी करिएगा वो कैसे करिएगा,
इसके बारे में हम आपको सिखाते हैं। देखिए ये सभी फॉर्मूला को आपको बार बार वीडियो देख के दिमाग में सेट कर लेना है, इसे याद कर लेना है। 10 बार 15 बार वीडियो देखिएगा तो वो दिमाग में आपको बैठ जाएगा, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करिएगा डेरिवेटिव में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम आपको एक सवाल सिखाते हैं कि हमारे पास एक सवाल है कि देखिए 21 नंबर का एक सवाल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। हमारे पास सवाल है कि fx बराबर साइन एक्स का स्क्वायर, और हमारा सवाल कहता है कि इसका डेरिवेटिव ज्ञात करिए। हमारा सवाल कहता है कि इस फंक्शन का जो डीसी होगा वह क्या होगा, डेरिवेटिव। तो है देखिए यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विगेट, हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डीसी करते हैं। एफ एक्स का डीसी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देखिए ऐसे पढ़िए साइन ए टोटल को एक्स कहिए, साइन ए टोटल को एक्स कहिए, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, जिसे आप एक्स कह रहे हैं उनका डीसी, तो एक्स हम इनको कह रहे हैं इनका डीसी, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन, तो एक्स पर पावर एन का डीसी एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। कैसे किए हैं, एफ एक्स का डीसी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, साइन ई टोटल को एक्स कह दीजिए तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी एक्स पावर एन का डीसी एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू टू एक्स, इसे सुंदर से लिखिएगा तो टू एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। देखिए और हम आपको इसमें सिखाते हैं, जैसे एक सवाल हम आपको 22 नंबर का क्वेश्चन सिखाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22 हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल 22 है कि लेट y बराबर, y अपना तरफ से नाम रखा गया है यहां पर tan 2x प्लस 3, हमारा सवाल कहता है इसका डेरिवेटिव ज्ञात करिए dc। देखिए यहां पर टेकिंग dc विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम x के रेस्पेक्ट में dc करते हैं, y का dc x के रेस्पेक्ट में dy by dx, y का dc x के रेस्पेक्ट में dy by dx। अब ऐसे पढ़िए tan e total को x कहिए, tan e total को x, तो tan x का dc sec square x, tan x ऐसे पढ़िए तो tan x का dc sec square x, जो फॉर्मूला लिखाए थे जिसे आप x कहते हैं उनका dc, तो x इनको कह रहे हैं इनका dc, 2 का 2 x का dc 1 और constant का dc 0, tan x का dc sec square x, जिसे x कदम का dc, x इनको करें इनका dc 2 का 2 x का dc 1
प्लस का प्लस और कांस्टेंट का डीसी जीरो। अब आपके मन में होगा कि सर जी यह दो है तो इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका डीसी तो जीरो होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट को जैसा का तैसा वेरिएबल का डीसी कर देना है। लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट आता तो उसका डीसी जीरो। देखिए इसे अगर बढ़िया से लिखिएगा तो टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री आपका ये हो गया आंसर। देखिए इसमें हम आपको और सिखाते हैं, जैसे एक सवाल है 23 नंबर का एक क्वेश्चन है, देखिए नंबर 23 का एग्जांपल है। देखिए सवाल यह है कि लेट y बराबर यहां पर है साइन, ये हो गया cos x का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। हमारा सवाल कहता है कि x के रेस्पेक्ट में डीसी करिए, x के रेस्पेक्ट में इसका डीसी करिए। तो है देखिए यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रेस्पेक्ट में डीसी। y का डीसी x के रेस्पेक्ट में dy by dx। ऐसे पढ़िए साइन ई टोटल को एक्स कहिए, साइन ई टोटल को एक्स। तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी। देखिए यहां पर कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। अब जिसे एक्स कदम का डीसी, एक्स पावर एन का डीसी एन, एक्स पावर एन माइनस वन तो दो माइनस वन। वाई का डीसी डीवाई बाई डी एक्स बराबर साइन ई टोटल को एक्स कहिए, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी एक्स पावर एन का डीसी एन, एक्स पावर एन माइनस वन। अब इसे सुंदर से लिखिएगा तो ये हो गया 2x प्लस गुना माइनस माइनस साइन x का स्क्वायर इंटू कॉस, ये हो गया कॉस x का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो देखिए आप जब भी डीसी करिएगा तो उसको एलिमेंट वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप करना है। इस डेरिवेटिव को चेन रूल कहते हैं। इसको कौन सा रूल कहते हैं? चेन रूल। तो हम जो डीसी आपको सिखाए हैं इसे पहले रूम पर, पहले इस वीडियो को आप बढ़िया से शांत से दिमाग से 4-5 बार देख लेना है। जैसे एक्सरसाइज है 5.2, इसमें हम आपको कुछ सवाल करके सिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक 4 नंबर का सवाल है कि लेट y बराबर ये हो गया sec, यहां पर tan, ये हो गया रूट x। और हमारा सवाल पहले ही कह दिया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। हमारा सवाल कहता है कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, किसके रेस्पेक्ट में डीसी करिए, x के रेस्पेक्ट में हमें डीसी करना है। तह सबसे पहली बात यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रेस्पेक्ट में डीसी। y का डीसी x के रेस्पेक्ट में dy by dx। अब इसको ऐसे पढ़िए sec e टोटल को x कहिए, तो sec x का dc sec x into tan x। देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, sec x का dc sec x into
का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। अब किसे एक्स कदम का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। एकदम फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला को याद रखिएगा तो टोटल सवाल आपका फटाफट बन जाएगा। वाई बराबर सेक एक्स है तो वाई का डीसी डीवाई बाय डी एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। चेन रूल, अब इसे सुंदर से लिख लीजिए, ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, ये हो गया सेक, ये हो गया टेन रूट एक्स इंटू टेन, ये हो गया टेन रूट एक्स, अब बटे ये हो गया टू रूट एक्स, ये हो गया आंसर। बात समझे? तो डेरिवेटिव जब भी बनाना है आपको इसी प्रकार बनाना है। जैसे हम आपको और एक सवाल सिखाते हैं तब तो हम आपको होमवर्क दे देंगे, यानी आप इसे बना के आइएगा, बनाइएगा और देखिएगा, अगर कोई सवाल में दिक्कत हुआ तो हम उसको सिखाएंगे, आप लिख दीजिएगा हमें। जैसे एक सवाल है नंबर 8 का कि लेट वाई बराबर कॉस रूट एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डीसी डी वाई बाय डी एक्स, कॉस एक्स ऐसे पढ़िए तो कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, जिसे एक्स कदम का डीसी रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स बाय टू रूट एक्स, आंसर। ठीक बात? तो आप इसे बना लीजिएगा एक्सरसाइज 5.2, जो दिक्कत है हमें लिखिएगा, हम निश्चित उसको सॉल्व करेंगे, निश्चित। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज, ये देख के हमें सेंड कर दीजिएगा, हम आपको फॉर्मूला सिखाएं, पहले फॉर्मूला याद कर लेना है, हिसाब बनाना है और नहीं बनेगा हम सिखाएंगे आपको। वैसे कल हम आपको और इसमें वीडियो बताएंगे।